जमाने के मसाइल में उलझ जाता हूं, मैं जमाने के मसाइल में उलझ जाता हूं, वो दबे पांव तसव्वुर से निकल जाता है, दबे पांव तसव्वुर से निकल जाता है। जनाबे मुजीब साहिब साहब फिली भी थी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिया साहब को उनके इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए, और एक मुबारकबाद मैं जनाबे रईस दिल्ली साहब को पेश करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा संचालन अब तक किया है और जिससे इस प्रोग्राम में चार चांद लग गए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आप उन लोगों उनका भी सम्मान करें। मैं इजाजत के साथ, बहुत अच्छा माहौल है और एक शायरी को सुनने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। हालांकि कम है लेकिन कम की तादाद नहीं मानी जाती है। अच्छे और जहीन लोग, बुद्धिजीवी लोग यहाँ मौजूद हैं। यकीनी तौर पर ये महफिल अब तक की सबसे कामयाब तरीन महफिल साबित होगी, ये मेरी उम्मीद है। आइए, मैं कौमी यकजहती कर चुके ये प्रोग्राम है और मैं ये चाहता हूं कि जो जिया साहब का एक पैगाम है और जो अच्छे जितने भी लोग हैं जो देश के लिए देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी जो सोच है उस सोच को मैं चार मिसरों में पेश करना चाहता हूं कि पतंगे मोहब्बत की उड़ने लगी हैं, पतंगे मोहब्बत की उड़ने लगी हैं, हवाओं का रुख अब बदलने लगा है। पतंगे मोहब्बत की उड़ने लगी हैं, हवाओं का रुख अब बदलने लगा है। चरागे वफा हाथ में लेके साहिल, चरागे वफा हाथ में लेके साहिल, जमाना घरों से निकलने लगा है। क्या बात है भाई, जनाबे साहिब, जमाना घरों से निकलने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पेश करता हूँ, उसमें एक लफ्ज आता है, हालांकि आप लोग सब जानते हैं, कसदन। कसदन का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। तो चार मिसरे पेश करता हूँ कि पहले कसदन को भूल करता है, फिर शिकायत फजूल करता है और उसको रखता हूँ दिल की धड़कन में, इसकी कीमत वसूल करता है। अच्छा है, क्या बात है भाई मुजीब साहब, क्या कहने। पहले कसदन को भूल करता है, फिर शिकायत फजूल करता है और उसको रखता हूँ दिल की धड़कन में, इसकी कीमत वसूल करता है। चार मिसरे और मिला कर लीजिए कि राज उल्फत के खोलता क्यों है, दर्द आंखों से बोलता क्यों है, और जो भी कहना है बेझिझक कह दे, अपने अल्फाज बोलता क्यों है। अच्छा, अपने अल्फाज। और दूसरे और याद आ रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि कितने माथों के बल निकलते हैं, छोटी बहन की गजल है कि कितने माथों के बल निकलते हैं, बात करने से हल निकलते हैं। क्या बात, कितने माथों के बल निकलते हैं, बात करने से हल निकलते हैं। और देखिए बेघरों की आंखों में, देखिए जिन लोग घर नहीं होते हैं, जिंदगी का ये तसव्वुर करते रहते हैं, वो ख्याल में रहता है उनके, ये शेर पेश करना चाहता हूं कि देखिए बेघरों की आंखों में कैसे महल रहते निकलते हैं, देखिए बेघरों की आंखों में कैसे महल निकलते हैं, और शाम होते ही हसरतों के दिए, शाम होते ही हसरतों के दिए मेरी आंखों में जल निकलते हैं। शाम होते ही हसरतों के दिए
मेरी आंखों में जल निकलते हैं। और ये शेर बतौर खास मुलाजा के लिए कि आप मोहब्बत जो हालात है आशर, अब मोहब्बत यहाँ नहीं रहती, अब मोहब्बत यहाँ नहीं रहती, आप दुनिया से चल निकलती है। अच्छा है भाई, क्या बात है भाई, मुजीब साहब क्या कहने भाई, अच्छा है। अब मोहब्बत यहाँ नहीं रहती, आओ दुनिया से चल निकलते हैं। एक मतलब होगी शेर और पेश करूंगा उसके बाद इजाजत, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है, कि एक मजदूर का जो है वो मैंने बयान करने की कोशिश की था कि आज भी खाली घर जाए क्या, आज भी खाली घर जाए क्या, भूखे प्यासे मर जाए क्या, आज भी खाली घर जाए क्या, भूखे प्यासे मर जाए क्या, और तुम जालिम से खौफ ज्यादा हो, तुम जालिम से खौफ ज्यादा हो, हम भी उसे डर जाए क्या। वाह वाह भाई, क्या बात है भाई, तुम जालिम से खौफ ज्यादा हो, हम भी उससे डर जाए क्या। और शेर देखिए, लोग कहते हैं कि जान दे देंगे आपके लिए, ये कर देंगे, मैंने उसमें दूसरा कुछ पहलू तलाश करने की कोशिश की है कि जान भी प्यारे अपनी कब है, जान भी प्यारे अपनी कब है, जान भी प्यारे अपनी कब है, नाम तुम्हारे कर जाए क्या, सलीके से जान भी प्यारे अपनी कब है, नाम तुम्हारे कर जाए क्या, खौफ का हर सुर सन्नाटा है, खौफ का हर सुर सन्नाटा है, ऐसे में बाहर जाए क्या, क्या बात, ऐसे में बाहर जाए क्या, और बात न माने कोई अगर तो, बात न माने कोई अगर तो गुस्सा करके मर जाएगा, और जेब भी अपनी खाली साहिल बच्चों को देकर जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।